चमचमाती हुई ट्रॉफी है जिसके लिए 16 टीम बिल्कुल जंग के मैदान में उतर चुकी है बिल्कुल एकदम। मोंटी राज, राज और मोंटी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज सुपर संडे, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और संडे को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए अपन यहाँ पास में चलते हैं इंस्टीट्यूट ग्राउंड, वहाँ जो है वॉलीबॉल का टूर्नामेंट भी हो रहा है, तो अपन चल के देखते हैं वहाँ पर कौन कौन सी टीम पार्टिसिपेट कर रही है और वॉलीबॉल ग्राउंड से कई लोग की यादें भी जुड़ी होगी। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, अपन आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। डीवीजय कुमार भैया जो है वो इनॉग्रेशन शॉट देने के लिए जा रहे हैं बॉल में, तो इसी के साथ टूर्नामेंट का जो है वो आगाज हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। वो हमारी सेकेंड टीम सेक्टर 2 गर्ल्स टीम। हमारी सेकेंड टीम सेक्टर 2 गर्ल्स टीम। ग्राउंड में यहाँ पर जबरदस्त एटमॉस्फियर है भाई, बिल्कुल एकदम। और इंट्रोडक्शन शॉट हो चुका है विजय भैया की तरफ से, दोनों टीम बिल्कुल तैयार है चैलेंज फेस करने के लिए। तो इनॉग्रेशन मैच है, गर्ल्स मैच है, इसमें गर्ल्स की टीम दो टीम है पार्टिसिपेट कर रही है बिल्कुल। लोग आ रहे, धीरे धीरे आते जा रहे हैं, दिन का 1 बज रहा है, मगर हमारा प्रिय जो वॉलीबॉल हमको बहुत इच्छा होता है और इस ग्राउंड से बहुत लोग की यादें भी जुड़ी होगी भाई। तो कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल धड़ाधड़ कमेंट्स करिए, कौन कौन यहाँ पर पहले खेलता था, क्या था, किन किन को अच्छा लगता है बिल्कुल। और ग्राउंड काफी मेंटेन भी किया गया है, पहले की अपेक्षा अगर देखेंगे तो चारों तरफ से बैरिकेडिंग भी हो गया है, मेहनत करके तो बिल्कुल देखिए बनाया है। और नायर साहब जैसा जो कोच है हमारा, प्लांट से आकर यहाँ एक टीम लेकर यहाँ खेल रहा बोलने से अपने आप को एक गर्व की बात है। मैं बहुत सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। आपका जो जो महिला होने के नाते स्पोर्ट्स खेलना एक बहुत अच्छा चीज़ है, साथ में वॉलीबॉल खेलना और अपने आप को एक डेयरिंग डेशिंग एक ट्रांसपेरेंसी होता है। तो मैं इसी तरह आप सभी खेल खेलते रहिए, आगे बढ़िए, इसमें भी मानसिकता भी बहुत स्ट्रांग रहेगा, फिजिकल भी स्ट्रांग रहेगा। तो वार्म अप सेशन जो है चालू हो गया है मैच के पहले, थोड़ी देर में मैच भी चालू हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा प्रयास भी है बिल्कुल। और लोगों को आना भी चाहिए, टूर्नामेंट में टोटल 16 टीम है, सब भाग ले रहे हैं, लोग जरूर एंजॉय करें और आना भी चाहिए। इस ग्राउंड से बहुत लोग की यादें भी जुड़ी हुई है, तो कमेंट भी करिए कौन कौन आता था इस ग्राउंड में खेलने के लिए, या उनके कोई परिचित वाले खेलने आते थे, सभी लोग इसमें कमेंट भी करी भी है, कमेंट बहुत ज़्यादा करी धड़ाधड़ बिल्कुल तरीके से। तो ये जो व्लॉग है स्वर्गीय कालिया रेड्डी भैया, उनको डेडिकेट करता हूँ, साथ ही हमारे जो परम मित्र है जोशी गार्ड भैया और काफ़ी लोग, घनश्याम भैया, सब भी पुराने अपने वॉलीबॉल खिलाड़ी थे यहाँ चारोदा के जमाने में, काफ़ी पालीकर भी है ना, तो वो सब भी देखेंगे ये सब वीडियोस, तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो उसी पर्पज़ पे मैं व्लॉग को बना भी रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चारोदा के लोग जो बाहर रहते हैं वॉलीबॉल ग्राउंड से जो उनकी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं वो इसको शेयर कर सके।
लाइनअप करवा दे, फर्स्ट सिक्स लाइनअप हो जाए। टीम वाले अपना अपना रणनीति बना रहे हैं भाई, बिल्कुल एकदम, और मैच के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। फर्स्ट सिक्स लाइनअप हो जाए और ये पच्चीस पंद्रह का और ये पहला सर्विस फीस जमा करते 17-13। ये बीएमआई जरादा का वॉलीबॉल ग्राउंड है, बिल्कुल ये है इंस्टीट्यूट है, यूनिट से लगा हुआ ग्राउंड है और ये ग्राउंड तो सभी लोग इससे परिचय के मोहताज नहीं है भाई, इस ग्राउंड के बिल्कुल एकदम। कर रहा है टोटल 16 टीम ने एंट्री लिया हुआ इस टूर्नामेंट में, तो पहला प्रेफरेंस जो है फर्स्ट मैच जो है वो गर्ल्स लोग का मैच रखा गया है ताकि सभी लोग उससे मोटिवेट भी हो सके। ये सभी जो प्रेजेंट और पास्ट प्लेयर्स जो हैं, रेस्पेक्टेड प्लेयर्स थे, उन सभी को व्लॉग मेरा डेडिकेटेड है, तो आशा करता हूँ आप सभी लोग का जो दिन है बिल्कुल अच्छा गुजरेगा। तो व्लॉग को मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।